इस ईमेल को खोला तो खाता होगा खाली। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को किया सतर्क। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। जी हां, आयकर विभाग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फर्जी ईमेल को लेकर आगाह किया है। आइए जानते हैं इस फर्जी ईमेल का पूरा सच। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को फर्जी मैसेज के प्रति सतर्क किया है। विभाग ने कहा है कि आजकल लोगों को ईमेल के जरिए कोरोना वायरस संकट को लेकर रिफंड भेजने से जुड़ी सूचनाएं दी जा रही हैं, जो फर्जी हैं और उस ईमेल के लिंक पर क्लिक नहीं करने के लिए कहा गया है। आयकर रिटर्न भरने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, साइबर फ्रॉड करने वाले ठगों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को रिफंड का वादा करने वाले फिशिंग ईमेल से आगाह किया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा कि ये संदेश आयकर विभाग की ओर से नहीं भेजे गए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 8 से 20 अप्रैल के दौरान विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं को 9000 करोड़ रुपए से अधिक के 14 लाख रिफंड जारी किए हैं। इनमें व्यक्तिगत, हिंदू पर विभाजित परिवार, प्रोपरेटर, फर्म, कॉरपोरेट, स्टार्टअप और लघु एवं मंझोले उपक्रम यानी SME श्रेणी के आयकर दाता शामिल हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस ईमेल में क्या है। टैक्स पेयर्स को जो ईमेल भेजे जा रहे हैं उसमें लिखा है, COVID-19 महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि वो तमाम करदाताओं को पहले ही रिटर्न प्रदान करेगा ताकि संकट के इस समय में उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अपना रिफंड क्लेम करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 8 अप्रैल को कहा था कि वो COVID-19 की वजह से प्रभावित लोगों और कंपनियों को राहत के लिए आयकर रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। मंत्रालय ने कहा था कि 5 लाख रुपए तक के लंबित रिफंड जारी करने के काम में तेजी लाई जाएगी। इससे 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा। COVID-19 का बहाना बनाकर फिशिंग ईमेल भेजा जा रहा है, जिससे आप सभी को सतर्क रहना होगा। उम्मीद है कि आयकर विभाग की ओर से आगाह करने के बाद टैक्स पेयर्स काफी हद तक सतर्क हो चुके होंगे। खबर पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और हम मिलेंगे जल्द ही एक नई खबर के साथ।